आप देख रहे हैं केवल सच्चाई। पिछले 7 वर्षों से रह रहा हूँ, यहाँ के जो रोड का जो स्थिति है वो बद से बदतर कहा जाएगा। जहाँ रोड अच्छा बना गया है उसको चिकनाया जा रहा है, और जहाँ चलने की स्थिति नहीं है, दर्दनाक स्थिति है, वहाँ एक बार भी रोड नहीं बन रहा। इसी सरकार की नीति के कारण हम लोग सरकार को वोट देंगे। एक साल बीतने जा रहा है, मुख्यमंत्री शिलान्यास किए हैं, उस समय चुनाव का वक्त था। हम लोग को लॉलीपॉप मुख्यमंत्री धरा करके चले गए कि हम लोग को तो वोट देगा ही। मेरे अपार्टमेंट में उन्होंने आरसीडी को कम्प्लेन किया था, इसका रोड का फोटो खींच करके हम लोग भी किए थे, तो वहाँ से वो कम्प्लेन का जवाब आया। संजोग से हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए पूरी तरह, तो वो लगभग धमकी दे रहा था। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स है कि सिंगल वे है ये रास्ता, जिससे लोग आते हैं और जाते हैं, इतनी बड़ी आबादी और इतनी दुखद स्थिति है। एक ही बात को कितना बार कह सकते हैं। टेम्पू वाले को हम लोग को गौर पड़ना पड़ता है कि भैया प्लीज भैया चलिए, प्लीज भैया चलिए, प्लीज भैया चलिए, तब आता है 100 बार, और भाड़ा दुगना देना पड़ता है। अभी 10 दिन पहले वहाँ एक हवाई पलटा था जिसमें 2 लेडीज सवार थे। यहाँ कोई भी जनप्रतिनिधि जो है, या वार्ड काउंसलर हो, विधायक हो, या जो भी हो, जो अभी हो या पहले रहे हो, अभी तक एक बार भी कोई इसको विजिट करने नहीं आया है कि इस रोड की कंडीशन को सुधारा जाए, बनाया जाए। नमस्कार, मैं हूं श्रीधर पांडे और आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। राजधानी पटना के VVIP इलाकों में शामिल गोला रोड के अपोजिट साइड राम जयपाल नगर का यह व्यावसायिक सड़क की स्थिति आप देख लीजिए। रोड कहीं 1.5 फीट कहीं 2 फीट गड्ढे में तब्दील हो चुका है, और यह पटना का कमर्शियल रोड है। यहाँ के नागरिक कमर्शियल टैक्स देते हैं, म्यूनसिपैलिटी में भी कमर्शियल टैक्स देते हैं, फिर भी सभी तरह के समस्याओं से जूझते आ रहे हैं। आइए हम आपके यहाँ के लोगों से बात कराते हैं। हम कब से इस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है आप लोगों को? ये करीब 10 साल हो गया है, 10 साल से यही स्थिति है। ये रोड कमर्शियल घोषित है, कमर्शियल टैक्स भी हम लोग के द्वारा दिया जाता है, लेकिन आज तक इस पर कोई निदान नहीं हुआ है। रोड की यही स्थिति है, डेली यहाँ आदमी गिर रहा है। ठीक है, आवेदन कहीं दिया है इसके लिए आपने? आवेदन दिया है मैंने, 3 साल हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा पवन कुमार नाम हुआ। आप क्या कहेंगे इस पर? मैं नित्यानंद शर्मा हूँ, इसी लोकल में रहता हूँ। ये रोड माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 25 सितंबर 2020 का शिलान्यास किया हुआ है, उसके 1 साल के उपरांत भी इस रोड में अभी तक काम नहीं लगा है। दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ 10,000 से ऊपर की आबादी बसी हुई है, जिसको आए दिन दुर्घटनाएं होती है। मैं भी एक दिन गिर गया था ऑटो से, जान बच गई किसी तरह से। इतना शर्म की बात है कि हमारे सगे संबंधी आते हैं, वो कहते हैं कैसी जगह में तुम लोग रहते हो जी, बहुत ख़राब जगह है, कहाँ गंदा जगह में फंस गए हो, इससे अच्छा तो देहात की रोड है जो बढ़िया से लोग रहते हैं, गली और रोड सब सुंदर है। यहाँ तो आवागमन का कोई साधन नहीं है। डिलीवरी पेशेंट के लिए सबसे दिक्कत यह है कि कोई रिजर्व में जाना भी नहीं चाहता है, जिसकी अपनी गाड़ी है वही जा सकते हैं डिलीवरी को लेकर के पेशेंट को, लेकिन ओला उबर कोई भी नहीं आना चाहता है। ये मेरे लिए बहुत शर्मनाक की बात है। सरकार से निवेदन है कि सरकार इस पर तत्काल कार्रवाई करे, और हम लोग को वंचित सुविधाओं से लाभान्वित करें। कितने साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं? हम 4 साल से रह रहे हैं, विजन गलेस्की में रहते हैं। लगभग 10 साल से रह रहे हैं।
जब से आप हैं वहाँ उस समय से रोड की स्थिति ऐसी ही थी? ऐसे ही टूटी फूटी रोड थी, और अभी तो इतनी ख़राब हो गई है रोड की स्थिति थी, हम लोगों को बरसात के दिनों में आप पानी में चल करके मतलब जाना पड़ता था अपने अपार्टमेंट। मैं गंगा सिटी में रहता हूँ, मेरा नाम प्रभाकर मिश्रा है, और स्थिति अभी जो अभी आपको बताए भाई साहब, यह सही है कि हम लोग के यहाँ के यदि कोई पेशेंट वगैरह रहता है तो उसको हॉस्पिटल कैसे हम लोग ले जाएं, एक समस्या बनी हुई है। जिसके पास गाड़ी नहीं है, ओला या उबेर या कोई प्राइवेट टैक्सी करके यदि हम लोग मंगाते हैं तो रोड जहाँ तक बना हुआ है वहाँ आने के बाद कोई गाड़ी वाला इधर आने के लिए तैयार नहीं होती है। तो हम लोग की स्थिति ऐसी हो गई है कि हम लोग देहात से भी बदतर स्थिति में यहाँ पर आ गए हैं। हम लोग अपने सर्विस की पूंजी बचा करके अपना फ्लैट लिए हैं, और इसके बाद इतनी दुर्दशा में हम लोग जी रहे हैं। मतलब यह कहना कि कितना कष्ट हम लोग झेल रहे हैं, इस पर सरकार ध्यान दे और इसका जल्द से जल्द निराकरण करावे, इस रोड को बनवाने की कृपा करे, यही हम लोग का मांग है। होल्डिंग टैक्स हम लोग होल्डिंग टैक्स भी दे रहे हैं, होल्डिंग टैक्स भी हम लोग दे रहे हैं, और कमर्शियल है इसलिए ध्यान दिया जाए। यह राजधानी का VIP इलाका है, अधिक से अधिक करोड़पति इसी मोहल्ले में रहते हैं, क्या वे लोग एकजुट होकर बाहर नहीं निकलते हैं आप लोग के साथ? हाँ निकलते हैं, लेकिन आज ऑफिस वगैरह सब लोग गए हुए हैं, अपने काम उम से बाहर गए हैं, इसलिए अभी उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। यदि अवकाश का दिन रहता तो करीब करीब यहाँ संख्या और 1000-2000 की संख्या रहती। तो अभी स्थिति है कि लोग अपने ऑफिस में हैं, सब लोगों से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश किया गया, लेकिन सब लोग अपने अपने काम में बाहर निकले हुए हैं, तो इसलिए मतलब इतना आदमी अभी तत्काल उपलब्ध हो गए, नहीं तो यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में लोग रहते। जब से हम रह रहे हैं रोड की स्थिति यही है। हमारे वर्तमान जो सांसद है रामकृपाल यादव, आज तक जीवन में जब हम तो कभी रोड में इनको देखे नहीं यहाँ, ठीक है, और 2 साल हमारे इस मतलब दानापुर विधानसभा में राज किए हैं आशा सिन्हा, ठीक है ना, वो भी रोड के ऊपर कहीं ध्यान, बगल में देख लीजिए सब रोड बना हुआ है, इधर DPS मोड़ बना हुआ है, RPS बन गया, रामजयपाल यहाँ से 3 जगह का जाने का रास्ता है, एक RPS इंजीनियरिंग कॉलेज आप जा सकते हैं, दूसरा पीछे से रास्ता है जो दानापुर स्टेशन निकल सकते हैं, और तीसरा आप टच कर सकते हैं बेली रोड। लेकिन इस रोड की स्थिति इतनी ख़राब है जिसका मतलब कि हम लोग इससे ज़्यादा अच्छा हम लोग का गांव का अपना गली है, और ये मेन सड़क है रामजयपाल का। अभी 10 दिन पहले वहाँ एक हवाई पलटा था जिसमें 2 लेडीज सवार थे, ठीक है, हम लोग अभी उसको उठाए थे, पूरा गाड़ी जो था पलट गया था खेत में, ठीक है ना, और ऐसे ऐसे दुर्घटना आए दिन होते रहती है, ठीक है, लेकिन ना सरकार का जो योजना चल रहा है आजकल कि हर घर नल योजना, रोड योजना, 100 तरह का योजना बनाएंगे, लेकिन इस रामजयपाल का स्थिति देख लिया जाए, वहाँ से इतना अभी सर बोले थे कि डिलीवरी पेशेंट के लिए बहुत तो मतलब इतना स्थिति है कि जिसके पास कार है वही ले जाएगा, जिसके पास नहीं है वो टेम्पू वाले को हम लोग को गौर पड़ना पड़ता है कि भैया प्लीज़ भैया चलिए, तब आता है 100 बार, और भाड़ा दुगना देना पड़ता है, 100 रुपया भाड़ा, हम लोग 150, 200, 250 रुपया देते हैं, ऑटो वाला आता है ले जाता है। समस्या के लिए किनसे आप मांग? समस्या के लिए हम लोग अभी आप पूछे कि आप भीड़ क्यों नहीं जुटा, कितने बार हम लोग काम काज छोड़ के सब लोग यहाँ पे जुटे, एकजुट हुए, मीटिंग हुआ, दरखास्त लिखे, सिग्नेचर हुआ, आगे बढ़ाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। और चुनाव से पहले एक बार आप अगर इस कोने पे देखेंगे तो एक शिलान्यास का बोर्ड भी है, उस पर फूल भी छींटे गए थे, और सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स है कि सिंगल वे है ये रास्ता जिससे लोग आते हैं और जाते हैं, इतनी बड़ी आबादी और इतनी दुखद स्थिति है, एक ही बात को कितना बार कह सकते हैं कि मतलब पहले तो आपको कोई गाड़ी वाला नहीं मिलेगा, उसको 20 बार रिक्वेस्ट कीजिए, जस्ट मतलब आपको बैगिंग करना पड़ेगा तो वो आएगा, और ये कंडीशन तो आप देख ही रहे हैं। आप अच्छे से इसलिए बात कर रहे हैं कि बारिश नहीं हुई है, अभी बारिश हो जाती तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, और इतना जैसे यहाँ पे 3 लोगों के ये ज्यूरिडिक्शंस में आ सकता है भाई, वार्ड काउंसलर हैं, MLA हैं, MP हैं, हमारे RCD के जो मिनिस्टर हैं, बट आप देख लीजिए कहीं भी कुछ नहीं, पानी लगा हुआ रहता है। ये भी पता लगाना है कि आखिर किन वजहों से ये इसको मतलब डेलिबरेटली नेगलेक्ट किया गया, हम तो यही समझते हैं कि इसको जानबूझ के नहीं बनने दिया जा रहा है, अगर वैसा कोई इनविजिबल हैंड है तो उसको भी बाहर आना चाहिए, बहुत बुरी स्थिति यहाँ पर जो स्थिति है। बारिश अगर हुई रहती तो जो है सो कार भी सही ढंग से जो है हम लोग पार नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज़ है कि यहाँ कोई भी जनप्रतिनिधि जो है, या वार्ड काउंसलर हो, विधायक हो, या जो भी हो, जो अभी हो या पहले रहे हों,
अभी तक एक बार भी कोई इसको विजिट करने नहीं आया है कि इस रोड की कंडीशन को सुधारा जाए, बनाया जाए। हम लोग बहुतों बार मांग कर चुके हैं, वह सब बेकार गया है। क्या कहती है, ठीक है, इसको हम देख रहे हैं, देख रहे हैं। मेन पर्पस राजनीति है इसके पीछे और कोई बात नहीं है। यहाँ हमारे फ्लैट, यहाँ एक अभी हमारे पास वो ऑडियो नहीं है, मेरे अपार्टमेंट में उन्होंने आरसीडी को कंप्लेन किया था इसका रोड का फोटो खींच करके, हम लोग भी किए थे, तो वहाँ से वो कंप्लेन का जवाब आया। संजोग से हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए पूरी तरह, तो वो लगभग धमकी दे रहा था कि आपने कंप्लेन किया है तो ये चीज़। हम लोगों ने बोला उनको, रणधीर जी किसे आप इसको ऑन कैमरा बोल सकते हैं, तो वो बात बदल दिया, बोला बिहार में बहुत ऐसा सड़क है जो बहुत ख़राब है। तो हम बोले बहुत ख़राब है, उसका मतलब ये थोड़े कि ख़राब रहेगा, तो ये भी टेंडर की प्रक्रिया में है। अब बताइए इतना कम दिनों में तो गांधी सेतु बन गया भाई साहब, जो बोर्ड लगा है ना वहाँ पुल पे, पुल जहाँ रोड बना अच्छा बना हुआ है उस पे, जहाँ रोड अच्छा बना गया है उसको चिकनाया जा रहा है, और जहाँ चलने की स्थिति नहीं है, दर्दनाक स्थिति है, वहाँ एक बार भी रोड नहीं बन रहा है। इसी सरकार की नीति के अनुसार हम लोग सरकार को वोट देंगे? सरकार क्या मांग करती है हमारे? रामजपाल से सरकार को दुश्मनी है? शिलान्यास का तो फोटो ले लिया आप उसको भी? यहाँ यहाँ एक डेंटल कॉलेज के पास एक लिखा हुआ है, वहाँ बना हुआ है, ठीक है ना, मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन करता फलाना डिमका दिस डेट, इतना टेंडर पास हुआ। अरे टेंडर कहाँ पास, जमीनी स्तर पे कार्य कहाँ हो रही है आपकी सरकार? योजना रोड को बीच में बना करके छोड़ दिया गया, पता नहीं राजनीति कहाँ है कि आधा रोड बनता। हम तो कहीं ऐसा जीवन में, मेरी उम्र 23 साल हो रही है और आज तक हम कभी ये नहीं देखे कि आधा रोड बनता है और आधा रोड गायब हो जाता है। आज की राजनीति कहाँ हो रही है, किसके भैया बोले अभी किसके वजह से रुका हुआ है, वो भी तो व्यक्ति सामने आए। आखिर क्यों नहीं, किसके वजह से आखिर हम लोगों पे इतना मतलब कि दृष्टि नजर से देखा जा रहा है, हम लोग पे मतलब आंख बंद करके सरकार हम लोग के तरफ घूम रही है, आखिर क्यों? बोर्ड का जब अवलोकन करेंगे आप, तो योजना का कोई नाम नहीं है, कोई ऐसा टेंडर नहीं होता है जिसका योजना का नाम दिया जाता है, नंबर दिया जाता है। जो बोर्ड लगा है उसमें किसी तरह का कोई योजना का संख्या नहीं, या नहीं तो सरकार से हमारा विशेषकर आग्रह निवेदन है कि हमें बताए पूरे दानापुर नगर निगम में रामजयपाल रोड से अगर कम रेवेन्यू नगर निगम को जाता हो तो हम लोग जवाबदेही हैं। हम लोग 10 साल से करीब करीब इस रोड से भुक्तभोगी हो रहे हैं, और एक लगभग लगभग 10 साल इस रोड में हमारे गुजारे हुए हो गया। कितने बार गिरे इसकी कोई गिनती नहीं है, बहुत आए दिन घटना भी घट रही है। हम लोग इस बात को उठाने के लिए किनके पास नहीं गए? आप ये नहीं पूछ सकते हैं कि फलाने आदमी के पास गए, आप नहीं पूछ सकते हैं। आपका अगले के पास आप बोलते हैं, आपका प्रश्न नहीं बनेगा कि आपने किस आदमी के पास गया। मेरा अपना है, रोते हैं हम लोग, रोते हैं कि हम लोग किनके पास नहीं गए। एक वार्ड काउंसलर से लेकर के पथ निर्माण के जो मंत्री हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, उनके पास तक हम लोग गए। यही कहे देखते हैं, स्कूटी इंजीनियर से बात करते हैं, आखिर मामला क्या है। लगभग एक साल बीतने जा रहा है, मुख्यमंत्री शिलान्यास किए हैं, उस समय चुनाव का वक्त था, हम लोग को लॉलीपॉप मुख्यमंत्री धरा करके चले गए कि हम लोग को तो वोट देगा ही, कम से कम शिलान्यास तो कम से कम कर देते हैं। यहाँ से दो टर्म आशा सिन्हा भाजपा के विधायक भी रह चुके हैं, फिर भी वही बात है। यहाँ के वार्ड पार्षद भी इस मोहल्ला के रह चुके हैं, फिर भी वही बात है। हम लोग बहुत निराश हैं, हम लोग यही मान करके चल रहे हैं कि हो सकता है कि हमारे इस कॉलोनी से रेवेन्यू सरकार को कम जा रही है, जिसके चलते हमको सरकार जो है इसको भुक्तभोगी बना रही है। इसलिए आप लोग मीडिया वाला से भी निवेदन है, आग्रह है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि मदद करिए। आप हमको मदद करिएगा, आपको भगवान मदद करेंगे, इसलिए कि हम लोग इतना हम लोग वंचित हो चुके हैं कि हम लोग हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते हैं। एक एम्बुलेंस वाला भी नहीं आना चाहता है किसी तरह से, भैया भैया बाबूजी पिताजी कह करके उसको बुलाते हैं तो किसी तरह से वो आ पाता है और हम मरीज के लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं। ये स्थिति हम लोग का है, आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। हम लोग जनता हैं, जनता को हम लोग को उतना ही शोषण करिए जितना करना चाहिए। हाँ, अगर हमारे मोहल्ला से अगर रेवेन्यू अगर नगर निगम को अगर कम जाता है तो हम जवाबदेही हैं, उसका गिनती करिए, उसका आकलन करिए,
लेकिन कुछ नहीं, हम लोग सब जगह से निराश हो चुके हैं। अब हम लोग कहीं नहीं जा सकते हैं, अब हम लोग को जो होना होगा अब यहीं होगा। अब आप ही लोग इसको आप मदद कर सकते हैं। मेरा नाम लक्ष्मी कुमार है, हम यही ओरियन हाइट अपार्टमेंट में रहते हैं और करीब करीब हम 10 साल से रहते हैं। क्या बोलते हैं? हमारा बोलना है कि यहीं पर रोड के इस साइड में दूसरा वार्ड पड़ता है, 39 पड़ता है, उस साइड में 40 पड़ता है। तो 3 साल हमको यहाँ पर आए हुए हो गया, अभी तक जो है सो यहाँ के जो वार्ड काउंसलर हैं 40 के, मुंह तक हम लोग उनका नहीं देखे। हम लोग समस्या कहाँ से दूर करेंगी? वो एक रोड के इस साइड में जो भी लगा हुआ स्ट्रीट लाइट मिलेगा आपको, रोड के उस साइड में एक भी स्ट्रीट लाइट आप देख लीजिए नहीं है। यहाँ से स्थिति बढ़िया गांव की है, गांव के चौवर में सब जगह रोड बना हुआ है। और जो हमारा जो रामजयपाल रोड है ये बॉर्डर है, 1:39 है और 1:40 है। हो सकता है यू में भी इसके चलते भी हमको भुक्तभोगी होना पड़ रहा होगा कि बॉर्डर एरिया है, अब इसमें 39 वाले भी ध्यान दें और 40 वाले भी ध्यान दें। यही सब है, आप लोग मदद करिए, मदद करिएगा, आप लोग को भगवान मदद करेगा। बॉर्डर है तब तो इसमें दो तो फिर तो दो ना, बॉर्डर है तो ज्यादा अच्छा है ना कि दो लोग मिल के इस काम को करेंगे ना, बॉर्डर है तो ज्यादा अच्छा है ना कि दो लोग दो प्रतिनिधि हमारे मिल के काम करें। हमें जहाँ तक बताया गया था कि 39 नंबर वार्ड में आता है, 39 आता है, करेक्ट एकदम सही बात बोल रहे हैं, ये 39 नंबर वार्ड में आता है। और मैं रवि विजन गैलेक्सी से पिछले 7 वर्षों से रह रहा हूँ, यहाँ के जो रोड का जो स्थिति है वो बद से बदतर कहा जाएगा, वही पर्यायवाची इसका है। मैं जब से आया हूँ तब से यहाँ पर केवल रोड में पानी ही भरा रहता है, गड्ढा भरा रहता है। अभी आप देख लीजिए गड्ढे रोड का स्थिति, इतना खराब स्थिति तो गांव का भी नहीं रहता है। और उसी में हम लोग चलने के लिए मजबूर हैं, इतना मजबूर है कि और कोई विकल्प मेरे पास नहीं है इसका। और मैंने तो कम से कम पर्सनली मैंने तो वार्ड काउंसलर को कम से कम 5 बार चिट्ठी दिया है इसके लिए, लेकिन स्थिति जस की तस पड़ी हुई है। किसी का कोई जवाब मिला था कि नहीं वार्ड पार्षद? नहीं नहीं, कोई जवाब नहीं, बोले थे कि हम चिट्ठी दे दीजिए, हम इस पर आगे कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई अभी तक ये हुआ, उनका टर्म खत्म होने वाला है, रोड का स्थिति वहीं का वहीं है।